नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। यूक्रेन में लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, रूस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और ऐसे में बिहार के कई ऐसे छात्र हैं, सिर्फ बिहार के छात्र नहीं बल्कि झारखंड के भी कई ऐसे छात्र हैं जो फंसे हुए हैं, वीडियो जारी करके सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कई ऐसे वीडियो जारी किए गए हैं, अगर बिहार की बात करें कई ऐसे जिले हैं जहां से छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए हुए थे। कारण ये है कि यूक्रेन में जो मेडिकल की तैयारियों की जो बजट है वो काफी कम होती है और ऐसे में कई छात्र बिहार से यूक्रेन का सफर तय करते हैं, वहां पे मेडिकल की तैयारियां कर रहे थे और ऐसे में जो स्थिति फिलहाल वहां बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति, ऐसे में अब छात्र घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, वीडियो जारी करके वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अब उनके पास राशन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उनके पास राशन की कमी है, बाहर दुकानें बंद है, बाहर निकलने में उन्हें डर लग रहा है। यही वजह है कि वो केंद्र और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया है। सबसे पहले आपको सीएम नीतीश का बयान सुनाते हैं। हम लोग के अधिकारी का विश्वास है कि कोई तरफ से लोग अगर हम लोग के अधिकारी का विश्वास है कि कोई तरफ से लोग अगर हम लोग के अधिकारी का विश्वास है कि कोई तरफ से लोग अगर